वालेकुम कैसे हैं जी मैं हूँ फातिमा और आपका बड़ा बड़ा वेलकम है आज की वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे यहाँ पे मैं खा रही हूँ मूँग फलियाँ जो कि सर्दियों की बेहतरीन सौगात है चाय मैंने पी ली है और ये छिलके छिलके पड़े हुए हैं थोड़े से जो है ना मैसी हुआ हुआ है सब कुछ क्योंकि मेरे से उठाते हुए ये गिर गया था छोटे वाला ट्रे जिसमें बहुत सारे छिलके थे तो खैर यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगी इस सब गोल के बारे में क्योंकि मेरा जो चैनल है बहुत ज़रा नॉलेज वाला ही है बताने वाला चीज़ों के बारे में तो जी ये सब गोल मैं देख रही थी अपने किचन में तो ये दो दो पैक मुझे नज़र आ गए तो इस सब गोल जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें फ़ाइबर होता है तो फाइबर जो है ना आपकी जो बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है ना उसको ख़त्म करने में बड़ा ही आ, अच्छा होता है तो इसलिए इस गोल को जो है ना आप अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं और एक मखसूस मक, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा आपने नहीं खाना होता आप या इसको दही में मिक्स कर लें तो या फिर आप पानी में डाल के जो है ना आप पी सकते हैं लेकिन जब आप इस गोल का यूज़ करेंगे तो आपको ना तीन से चार ग्लास से ज़्यादा ही पानी पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए तो वैसे ये कंपनियों का भी होता है काफ़ी सारी और अगर आप कंपनी का नहीं भी लेना चाहते हैं तो बाज़ार में खुला भी मिल जाता है हकीम वगैरह की दुकान से लेकिन आप उस हकीम से परचेज़ करें जिसका आपको पक्का पता हो कि ये सही चीज़ रहता है, है। मतलब कि मिलावट वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि मिलावट से जो है ना फिर उल्टा और नुकसान बन जाता है तो खैर यहाँ पर मैं ज़रा शूटिंग शूटिंग वाला माहौल बनाने के लिए थोड़ा मैंने इसको जो है ना इस तरह से पिक्चराइज किया है तो ये जो होता है अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो वो भी साथ रख सकते हैं और अगर आप पैकिंग में ख़रीदते हैं तो फिर इसकी ना एक्सपायरी डेट जो है ना वो लाजमी देख लिया करें तो काफ़ी अच्छा होता है आपका जो खाना वगैरह होता है वो जल्दी हज़म करने में काफ़ी हेल्प देता है और काफ़ी ठीक चीज़ है आप इसको किसी भी मौसम में खा सकते हैं लेकिन कुछ लोग जो है ना वो नहीं भी खा सकते हैं तो इसलिए आप ख़ुद बेहतर समझते हैं कि आपके लिए ये आ, मतलब हाजमे के लिए अच्छा है कि नहीं क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं तो अब ये तो खुद ही हमें अपना जायज़ा लेना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ सूट कर रही है और कौन सी नहीं लेकिन ये एक हेल्दी ऑप्शन है आप इसको अपनी रोजमर्रा रूटीन में जो है ना ऐड कर सकते हैं तो ख़वान भी इसको ऐड कर सकती हैं और मर्द हजरात भी इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत इजीली पूरी दुनिया में ये तो मिल जाता है तो लेकिन जो है ना थोड़ा एक्सपेंसिव ही हो गया आजकल तो महंगाई जैसे जैसे जा रही है तो अब ये इसमें इतना सा रह गया है तो अब इस्तेमाल का तरीका भी मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ मैं तो दिन में एक बार ही जो है ना एक इस तरह का ग्लास ले लेती हूँ और साथ इतना सा ले के और इसको जो है ना ऐड कर लेती हूँ और आपने कभी भी सूखा नहीं खाना होता आप इसको जो है ना पानी में ही डिज़ोल्व करेंगे जब तक ये फूलेगा नहीं आपने इसको नहीं पीना है इसको कंज्यूम करने का भी यही तरीका है बेहतरीन ये नहीं है कि आप पक्के मार लेंगे एक दफ़ा मैंने किसी को बताया तो कहने लगी कि अगर वैसे ही इसको खा के ऊपर से पानी पी लें तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता ना ये खाने का इसको पीने का एक तरीका होता है या आप दही में करते हो ऐड और फिर कंज्यूम करते हो तो या फिर आप पानी में डाल के ना फिर पीते हो तो ये जो है ना हर चीज़ को उसके तरीके से ही खाना चाहिए जल्दबाजी में नहीं खाना पीना चाहिए तो खैर ये दिन में एक दफ़ा जो है ना मैं ज़रूर पी लेती हूँ मुझे काफ़ी मज़े का लगता है हालाँकि टेस्ट तो कोई नहीं होता बस ऐसे ही जैसे एक आपकी रूटीन होती है कि आपने कुछ ना कुछ खाना पीना होता है उसी तरह अगर आप इस तरह की हेल्थी चीज़ों को भी अपनी डाइट में ऐड रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा तो ये आप ट्रैवलिंग में भी अपने साथ रख सकते हैं और जो है ना आप कोई सा भी इस गोल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं तो खैर अब ये हो गया इस सफ गोल इस सफ गोल बहुत ज़्यादा तो अब नेक्स्ट बात करती हूँ यहाँ पर जो है ना मैं अपने प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र बना रही हूँ ये कोई खाना नहीं बन रहा तो स्पेशल डिश नहीं है ये जो है ना फ्रूट मैंने खाया था किनू खाया था और केला खाया था तो उसके जो छिलके होते हैं ना वो मेरे प्लांट्स का डिनर और लंच होते हैं तो हफ्ते में एक बार जो है ना मैं जो भी फ्रूट के छिलके होते हैं ना उनको बॉयल भी कर देती हूँ अगर आप के प्लांट्स को बॉयल वाला सूट नहीं करता तो आप इसको छिलकों को तीन चार दिन सादा पानी में भिगो के रख दें और फिर उसको जो है ना पानी में मिक्स करके अपने प्लांट्स को देंगे तो काफ़ी उस पर फ्लावरिंग आ जाएगी तो फ्लावरिंग वाले मेरे जो प्लांट है ना उनको मैं यही खाना देती हूँ तो यहाँ पर ये मैं सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो सर्दियों में जम्बेली का प्लांट जो है ना ये मेरा आ गया हुआ है और साथ में ये गुल दाउदी की पनीरी है ये मैं अपने ऊपर छत पे लगाऊंगी क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है तो आप में से भी किसी को गार्डनिंग का शौक है तो आप मुझे बताइएगा तो ये जो है हंड्रेड रुपीस का ये आया है और इस पर बहुत इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती और दूसरा जो गुल दाऊदी वाला है उस पर भी बड़े अच्छे अच्छे फूल आते हैं तो जब मैं इनको लगाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसे लग रहे हैं तो खैर अभी तो सर्दियाँ समझे स्टार्ट हुई हैं तो अभी तो बड़े बड़े फूल आने हैं सर्दियों के फूल अलग होते हैं गर्मियों के फूल अलग होते हैं तो अगर आप गार्डनर हैं तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में तो खैर अभी तो मैं ये चंबेली की खुशबू जो है ना इसको इंजॉय कर रही थी लेकिन अभी इसको निकाल के मुझे बड़े पॉट में भी लगाना होगा तो जब लगाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ जो है ना ये शेयर करूंगी